के साथ जा रही है बंधु, और मैं और बंधु जा रहे हैं दोनों सरायखेत। तो इतना थैला बंधु जा रही है मिर्ची, इतने सालों में तो यही रोड यहाँ पहुँच रही है, और अब कितने सालों में पुल बनेगा इसका। भैया बहुत अच्छा सामान देते हैं, आप लोग भी जरूर आइए भैया की दुकान में सामान लेने के लिए। तो भैया जी अब सस्तु भी कह दी सामान। तो बंधु को जब फ्री सॉस मिलता है तो पूरा फायदा उठाती है, आधी बोतल खाली करके जाएगी। पैसों का तो कुछ पता ही नहीं चला, बड़ा दुख हो रहा है यहाँ आके। तो यहाँ जो कमले गाँव है यहाँ तक आ गई है रोड, तो ये रहा एक स्रोत है। तब आप लोगों को स्रोत भी बताते और पानी भी पीते। अरे तो हम पहाड़ी है ना, हमें हाथ में कहाँ आती है सच, हम तो सीधा मुंड में रखते हैं। जय माँ भगवती। दगड़ियों कैसे आप सभी लोग, आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे आज के नए ब्लॉग में, उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गाँव से। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से, और आज मेरी तैयारी हो रही है सरायखेत मार्केट जाने की। तो आज मेरे साथ जा रही है बंधु, और मैं और बंधु जा रहे हैं दोनों सरायखेत। तो बंधु आगे चली गई है मिर्च का थैला लेके, और वीडियो भी नहीं बनाने दे रही मुझे। और बाकी मौसम की बात करी जाए तो मौसम रोज की तरह आज भी कड़क धूप लगी, तो अब टाइम भी हो रहा है और सरायखेत हमने पैदल जाना है, तो इसलिए अब लगते अपने रास्ते। तो इतना थैला बंधु जा रही है मिर्च लेके, और एक छोटा सा थैला मेरे पास भी है, तो आज हम दोनों ये मिर्च लेके भी जाएंगे, और बाकी देखते हैं वहाँ से क्या क्या लाते हैं। तो घर से हम 9:15 बजे निकल गए, अब देखते हैं वहाँ कितनी देर में पहुँचते हैं, क्योंकि पैदल जाना है, रास्ता थोड़ा लंबा है, तो अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो अभी हम दोनों अपने गांव के सामने, और हमने वहाँ जाना है जो लास्ट वाली पहाड़ी दिख रही है उसके पीछे जाना है। तो ये पैदल रास्ता लगा है, तो जो हमारे यहाँ के होंगे उन्हें तो पता ही होगा कि कौन सा रास्ता है, लेकिन यहाँ से वहाँ जाना है हमने पैदल। और अभी तो हम यहाँ पे तलिया में भी नहीं पहुँचे मैं और बंधु, तो अब चलते हैं। तो अब जाके हम कमलिया गांव के मंदिर के सामने पहुंच गए, तो वो रहा हमारा गांव, उतनी दूर वहां पे हमारा गांव। तो आधा रास्ता तो मैंने और बंधु ने नाप ही लिया, तो यहाँ पे हम भैरव भगवान जी के मंदिर के सामने भी पहुंच गए। तो चल बंधु फतेह नीचे अपन डांड भैरव लिखो, जय भैरवनाथ। अभी मैं और बंधु कमले गांव से थोड़ा इधर आ गए, तो जहाँ पे हम पहुँचे इस जगह को बोलते हैं फेड़ू घाट। तो जो ये सरायखेत वाली रोड है, तो वो रोड यहाँ तक आ गई है, मतलब जो ये फेड़ू घाट है उसके सामने आ गई है। बस यहाँ से थोड़ा पुल की दिक्कत हो रही है, बाकी कमले गांव से भी रोड है तलिया तक, तो बस पुल की दिक्कत है, बाकी रोड तो यहाँ तक पूरी पहुँच ही गई है। अब देखते हैं कितने सालों में, तो यही रोड यहाँ पहुँच रही है, और अब कितने सालों में पुल बनेगा इसका कुछ पता नहीं है अभी, तो अब देखते हैं कब तक चलता है ये काम। चलो हमें आधे रास्ते से रवीना भी मिल गई है, तो हाँ ये तो कह दिया जरा दफ होगा, बल मुझे मत दिखाया ऐसे सर मिले लोग कहाँ से मिलते हैं मुझे। और बंधु के पास तो बहुत भारी हो गया, पता नहीं 4 किलो मिर्च है उतने लाने में भी उसकी हालत खराब हो रही है। मर्चो आगे पूर्णी मिलती है मुंडा है। अब जाके मैं और बंधु इस वाले सरायखेत पहुंच गए, तो इसे ऊपर वाला सरायखेत बोलते हैं, बाकी बड़ा वाला मार्केट तो नीचे है। तो चल वे बंधु, यहाँ पे 2 किलो मिर्च थी मेरी, और 4 किलो बंधु की भी थी, और यहाँ पे हमारी मिर्चों को खोला जा रहा है और चेक किया जा रहा है कि अच्छी मिर्च है या बेकार मिर्च है। तो इस वाली दुकान में ला रखी है मैंने और बंधु ने अपनी मिर्ची, तो मिर्ची तो हमने दे दी, और यहाँ पे सरसों का शुद्ध तेल भी मिलता है। तो अब जाके मैं और बंधु अपने पैसे भी ले आए, और मिर्चों को भी यहीं पे छोड़ दिया है ना। तो कितने पैसे मिले बंधु? 1700। तो बंधु का टोटल हिसाब हो रखा है 1700 है, और मुझे भी 950 रुपये मिले। बंधु की मिर्ची भी ज़्यादा थी, और उसका कूड़े वाली मिर्ची भी थी, और मेरी तो सब सही मिर्ची थी, 2 किलो और कुछ था शायद, ऐसे ही थी मेरी मिर्च, और बंधु की तो पता नहीं कितनी थी, लेकिन बंधु की इनकम ज़्यादा हो गई, बंधु की 1700 और मेरे 950। तो ये 1700 रुपये की देर थी। बंधु बोल रही है बोल एक पैसा वापस नहीं ले जाना, ठीक है बंधु कुछ खर्च नहीं करेगी तो मुझे दे देना पैसे, ठीक है। तो अब चलते हैं, अब बड़े वाले मार्केट में जा रहे हैं, अब वहाँ देखते हैं क्या क्या शॉपिंग करते हैं। तो रवीना का तो यहाँ पे बैंक में काम है, तो रवीना तो बैंक में जा रही है, और मैं और बंधु चलते हैं बाजार में। चल बंधु फटाफट, दिल दे ख्याल में कुड़े बैंक, अब फटाफट मार्केट में चला तब ले सामान। Oh, oh, oh.
जाके हमारी शॉपिंग पूरी हुई है मेरी और बंदू की। अभी भी थोड़ा बहुत कुछ बचा होगा तो याद आ जाएगा। तो भैया की दुकान में सबसे अच्छा सामान मिलता है भैया को, मतलब मेरी दीदी लोग तो सब जानते ही होंगे, जब भी सरायखेत की बात आती है तो सबसे पहले भैया का नाम आता है कि भैया की दुकान से कुछ सामान लाए कि नहीं लाए। तो भैया बहुत अच्छा सामान देते हैं, आप लोग भी जरूर आइए भैया की दुकान में सामान लेने के लिए। तो भैया जी आप सस्तु भी कह दी सामान सही सही रेट में उन भैया जी तुम्हारा गाँव कहाँ से? अच्छा तो घंडियाल गांव है जो वहाँ के है भैया। तो भैया की दुकान यहाँ पे, एक दुकान यहाँ पे और एक दुकान उधर भी है भैया की। तो अभी वहाँ भी जाएंगे फिर वहाँ भी दिखाएंगे। तो चलो शॉपिंग भी पूरी हो गई हमारी और हमारे लिए जूस भी आ गया है। तो धन्यवाद दीदी जूस पिलाने के लिए। बैठ जाओ रे, खड़खड़े नहीं पिया तुम, गोल बिलकुल उछिन लगो। तो चलो दीदी चलो छिया ठीक है बाय धन्यवाद जूस पिलाने को। धन्यवाद चलो एक छोटा सा गिफ्ट ठीक है बंदू, ये चाउमीन वाले भैया कुछ बोलेंगे तो मेरा नाम लगा देना की गुड़िया। तो हम तीनों की चाउमीन भी आ गई है, तो अब जल्दी से अपनी चाउमीन सपोड़ा और फिर घर चलते हैं। तो बंधु को जब फ्री सॉस मिलता है तो पूरा फायदा उठाती है, आधी बोतल खाली करके जाएगी, है ना बंधु? हाँ मैं बता दे आधा बोतल खाली करके जान भाई बस। पूरा फायदा उठाती है बंधु। रवीना रवीना तो बोतल ही ध्यान ली जा, रवीना चुप चुप के धैर्य से बाहर भेज नहीं देखना जी। तो चलो अब तीनों चाउमीन खाते हैं और बंधु चलो चखी कहने बढ़िया हुई बिना चखा के। तो कैसा हो रहा है बंदू? नहीं बताना है। तो भैया ने पता नहीं क्या कलर डाल रखा है इसमें, देख के तो मुंह में पानी आ रहा है, अब खाने में पता चलेगा कैसा होगा। बंदू को तो अच्छे लग रहे हैं, सॉस की बोतल तो खाली कर ही दी उसने। दिन के 3 बजने वाले हैं, अभी 3 बजने में 20 मिनट रह गए, तो अब जाके हम घर जा रहे हैं। और बंधु ये देखो है दिव्या माटा हर मैं चौको पानी दिन में भन लो। तो बंधु के लिए चाउमीन कुछ ज़्यादा तीखी हो गई थी तो इसलिए अब उसका आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, ठीक है बंधु? और आइसक्रीम खा फिर सीधा गए पिछने नहीं दे। तो अब जाके जा रहे हैं हम घर, अब जाके फाइनली हमारी शॉपिंग हो गई। और शॉपिंग देखिए तो दिखे उड़ू कुछ नीचे पर पैसा सब यकी दे रहे ली मर चू पैसा तो आया वही तो बंदू कदा हुई थी और खर्च जरा बता दी। तो बंदू के भी 3,000 और मेरे भी, तो 3,000 रख के आ गए हम यहाँ। और सामान देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, हाय पैसों का तो कुछ पता ही नहीं चला, बड़ा दुख हो रहा है यहाँ आके कि पैसे तो बचे ही नहीं कुछ, अब घर में भी क्या बोलेंगे। तो आजकल बुरांस के फूलों का टाइम हो रखा है, तो बुरांस के फूल बहुत अच्छे खिले और बहुत दूर भी है, उनको तोड़ भी नहीं सकते, नहीं तो हाथ में पकड़ के बताती आपको तो कितने अच्छे लग रहे हैं बुरांस के फूल। यहाँ पे तो एक ही पेड़ नजर आ रहा है, थोड़े बहुत यहाँ पे भी हो रखे हैं, बाकी परसों एक दिन बारिश हुई थी तो उसकी वजह से थोड़े बहुत झड़ गए हैं, नहीं तो आसपास है बुरांस के पेड़ थोड़े बहुत। तो यहाँ जो कमला गांव है यहाँ तक आ गई है रोड, तो ये रहा फेड़ू रोला फेड़ू गार्ड है ना, तो यहाँ तक आ गई है रोड बस। रवीना पुल बनना देर जाना तो कुछ नहीं बोला, तो बस कमले वालों के लिए यहाँ तक तो अच्छा हो जा रहा है, कोई भी आ रहा है तो इसी वाली रोड से आ रहा है, तो यहाँ तक रोड आ गई है और फिर यहाँ से तो पैदल ही जाना है। तो रवीना को भी अब यहाँ से बाय बाय बोलते हैं, तो बाय तो बोलते हाय तो नहीं बोलते। तो यहाँ से रवीना भी अपने गांव कमला चलेगी और मैं बंधु यहाँ से अपने गांव। तो अभी तो हमें उतने दूर जाना है, वो रहा हमारा गांव। बाप रे, और पानी की प्यास भी लग गई है बहुत खतरनाक, तो अब चलते हैं। तो अब पानी की प्यास भी लग गई है बहुत और शकल पे भी 12 बज गए, तो अब जाके हम यहाँ पे पानी पी रहे हैं। यहाँ पे कमला गाँव वालों ने टंकी बना रखी और यहाँ पे प्राकृतिक स्रोत है, तब आप लोगों को स्रोत भी बताते हैं और पानी भी पीते हैं, प्यास बहुत ज़्यादा लग गई। तो यहाँ पे कुछ उन्होंने ऐसी टंकी बना रखी
और ये प्राकृतिक स्रोत, और यहाँ पे उन्होंने पाइप भी लगा रखा है, तो अब पानी पीते हैं जल्दी। तो इंसानों के लिए पानी पीने के लिए यहाँ पे धारा लगा है, और गाय भैंसों के लिए यहाँ पे टंकी जैसी बनी है, तो इसे पता नहीं वैसे क्या बोलते हैं, तो टंकी बोल सकते हैं। तो चलो यहाँ पे सही है, हमारी प्यास भी बुझ गई और पानी भी मिल गया। तो कमलिया गांव वालों की गाय भैंसे आती है यहाँ, तो वहाँ पे इंसान पानी पी लेंगे और यहाँ पे जानवर पानी पी लेंगे। तो चलो सही है, अब चलते हैं। ऐसे फंची बांध रखी है, तो भाभी बोल रही है बल बाजार में ऐसी ऐसी लाई ऐसे शर्म नहीं आई तेरे को यार। अरे है यार, अरे तो हम पहाड़ी है ना, हमें हाथ में कहाँ आती है सच, हम तो सीधा मुंड में ही रखते हैं। बाजार से मैं शौक दिखा के थैले में लाई और फिर मैंने मुंड में रख दिया। अरे एक भंडे शॉपिंग करी आज दे बंदो वो अंगूर, सारा दुनिया तो दिखाना, सारा दुनिया तो दिखाना, तुम अंगूर मंगाए जाओ। अपनी तरफ से अपनी तरफ कोई वानी बंदूक पैसा चटनी दिया तो बंदूक दिया पैसा। अंगूर तो भाभी ने चुपचाप अंदर रख लिया और माल्टे दे रहे देने भाई तुमको, ये संतरे बहुत मीठे हैं ये। तो धन्यवाद, ये संतरा सी पता हमारा डाला सी, ये डाला की डाल अपन अब तेग नहीं दिखे फूल डाला। अच्छा तुम जैद राम तो दिए छोटे छोटे दियो, बड़ा खन करेगी बेटा ये चोर चोर का धरा था, तुम सब खा दिए। तो भाभी ने बड़े वाले संतरे छिपा रखे थे और हमें छोटे छोटे संतरे दिए। बंदू मिल भी पीड़ छपाइन रुक जा। वैसे मैं सरायखेत आपको पूरा मार्केट नहीं दिखा सकी, ऐसे सरायखेत मार्केट बहुत अच्छा मार्केट है क्योंकि यहाँ सामान फिर भी ठीक मिल जाता है। वैसे पहाड़ों में दुकान में जो दुकान की वाली चीजें होती है, ये कपड़े वगैरह ये बहुत महंगे मिलते हैं शहरों के हिसाब से, लेकिन सरायखेत मार्केट फिर भी ठीक है, यहाँ अच्छा सामान मिल जाता है और सभी दुकानों में मतलब सही रेट में मिल जाता है सामान। तो सब दुकानें तो नहीं बता सकी मैं, बाकी इस मार्केट आप जरूर आइएगा, यहाँ सामान आपको अच्छे रेट में मिल जाएगा। और दुकान तो मैंने एक ही बताई क्योंकि हमने एक ही दुकान से ले लिया, तो सामान हमें और जगह जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो चलो मिल गया था मतलब सब सामान, बाकी सरायखेत का टूर हमारा अच्छा रहा। तो सुबह 9 बजे चले गए थे हम और 5 बजे अपने घर पहुंच रहे। वैसे आ सकते थे हम जल्दी, लेकिन हम आराम आराम से ही आ रहे थे क्योंकि घर में भी कुछ काम नहीं था और टाइम था, तो इसलिए हम आराम से ही आ रहे थे। तो चलो घर में तो आ ही गए और अब व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कल मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, धन्यवाद।